क्लास फोर्थ का चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आधा मैंने पहले करवा दिया था, आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो पहले तो ये देखो कि विशेषण किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब देखो मैंने आपको संज्ञा करवा दिया, सर्वनाम करवा दिया। अब संज्ञा होती है किसी का नाम होता है, कि कोई वस्तु का नाम, किसी का भी नाम, तो संज्ञा। अगर उसका नाम मैं लेके उसके लिए उसका यह वह लेकिन बोलेंगे तो वो क्या है, सर्वनाम है। अब उन चीज़ों की विशेषता बताइए वो क्या हो गया, विशेषण। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको क्या करने हैं, रेखांकित करने हैं विशेषण को, ठीक है। तो पहला देखो, पहला है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अब स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क की विशेषता बता रहा है, स्वस्थ होगा तभी क्या है, सही रहेगा। तो ये क्या है, स्वस्थ विशेषण है, इसको क्या कर दिया मैंने, रेखांकित कर दिया, ठीक है। अगला है उसके मन में नए नए विचार आते हैं। अब उसके क्या है, सर्वनाम में किसी का नाम न लेके उसके उस अगले के लिए उसके बोला गया है, ठीक है। तो उसके मन में क्या है, नए नए विचार आते हैं, इनकी विशेषता है नए नए विचार आते हैं, तो ये क्या है, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। अगला है दादी माँ ने अक्षरा को कुछ सरल आसन सिखाए। अब दादी माँ ने अक्षरा को क्या सिखाए, आसन सिखाए। आसन होते हैं बहुत सारे, पर क्या है, उसकी क्या विशेषता है, सरल। तो कुछ आसन क्या है, सरल है, तो ये उसकी क्या है, विशेषता, सरल। अब अगला है पार्क में ताजी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। अब देखो पार्क में ताजी हवा, इसमें दो तीन है, हवा है वो क्या है, ताजी है, तो ये विशेषता बता रहा है ना हवा की, कि वो ताजी हवा है। और चिड़ियों की मधुर ध्वनि, चिड़िया यहाँ पे संज्ञा है तो क्या है, चिड़ियों की मधुर ध्वनि, मधुर क्या है, विशेषता है, ये मधुर क्या है, इस चिड़िया की आवाज की विशेषता बता रहा है, क्या है, मधुर है ना, तो ये क्या है, ये भी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है, तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। अब तुम्हें किसी के लिए अक्षर के लिए बोला गया है कि तुम्हें विशेष ताजगी देंगे, तो ताजगी भी यहाँ पे क्या है, विशेषता है, तो ये क्या है आपका, विशेषण। विशेषण किसे बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ये आपको बुक में दिया हुआ है, इसके अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ जो मैंने आपको करवाई है। अब अगला क्वेश्चन दिया आपको, थर्ड क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको वाक्य दिए हुए हैं, इनके क्या करने हैं, ये वाक्य दिए हुए हैं आपको, शब्द लिखने हैं, इनको एक करके लिखना है, ठीक है। तो देखो हर समय पढ़ने वाला तो उसको क्या बोलते हैं, पढ़ाकू, तो क्या आएगा, पढ़ाकू, क्या ये हर समय पढ़ने वाला। आगे है जो चिंता में डूबा हो उसको क्या बोलेंगे, चिंतित, तो इसका क्या आएगा, चिंतित। ग्रह जिसकी बुद्धि तेज हो तो उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है, जिसकी बुद्धि तेज हो बुद्धिमान। अगला है जिसका मन स्थिर हो, यानी कि जिसका मन एक जगह रुका हो उसको क्या बोलेंगे, एकाग्रचित, ये रह की मात्रा से, ठीक है। तो ये आपके वाक्य के लिए एक शब्द हो गए हैं। अगला एक और आया, सांस अंदर लेने से रोकने व बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्राणायाम, क्या होगा, प्राणायाम, ठीक है। अब अगला दिया हुआ आपको, इन शब्दों के वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो हमें ये गलत नाम दे रखे हैं, अक्सर इनके आगे पीछे मात्राएं गलत दे रखी है, तो हमको इनको सही करना है। तो देखो सारी रीक, क्या है, सारी रीक, तो कैसे आएगा ये, सारी सॉरी सारी रीक, ये क्या है, सारी रीक, ऐसे बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, रोंग है, इसको सही
सही कर दिया। स्वस्थ स्वस्थ ये गलत है तो क्या होता है स्वस्थ होता है, ये सही है इसका। देखो व्यायाम व्यायाम गलत है, इसका क्या आएगा व्यायाम व्यायाम व्यायाम। यह है क्षमता, क्षमता गलत है, इसका क्या आएगा क्षमता, तो क्षमता ये राइट है। अगला है एकाग्रचित, ये आपको खुद से करना है। एकाग्रचित नाम कैसे सही होगा इसके, ये मैंने लिखा है ना इधर एकाग्रचित, और प्राणायाम ये क्या है प्राणायाम, तो ये आपको प्राणायाम लिखना है, ये यहाँ पे लिख लेना खुद से कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है इन शब्दों के वाक्य बनाइए, आपको इधर क्या है शब्द लिखे इनके क्या करने हैं वाक्य बनाने हैं। तो देखो हरियाली, पहला क्या दिया है हरियाली, हरियाली हमें आनंद देती है, हरियाली होती है तो वो क्या है मन को ठंडक पहुंचाती है ना, तो क्या है आनंद देती है। स्फूर्ति, प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, प्राणायाम करने से क्या होता है हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। आगे है ताजगी, व्यायाम से मन में ताजगी बनी रहती है, तो क्या है व्यायाम करेंगे तो क्या हमारे मन में ताजगी बनी रहेगी। निवास, इसका क्या करना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगला है स्वस्थ, संतुलित भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ये आपके क्या हो गए पूरा क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए, ऑप्शनल रहे हो वो खुद से कर लेना, और जो मैंने आपको करवाया है लेसन रीडिंग करने के लिए बोला था और जो अभ्यास मैंने आपको करवाया है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना, और जो बुक में फिल करने वाले हैं वो बुक में फिल कर लेना।